बुधवार को यमुनानगर की थापर कॉलोनी के पास दिन दहाड़े एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर लिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़की की किडनैपिंग के साथ साथ लड़की के माता पिता के साथ भी कई लड़कों ने मारपीट की थी। अब इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस पूरे मामले को सॉल्व करके लड़की को उसके माँ बाप को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि लड़की की किडनैपिंग नहीं हुई थी, बल्कि अली नाम के लड़के ने लड़की का शोषण भी किया है। अब पुलिस ने आरोपी अली को राउंड अप करके तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो हमारे पास सिटी यमुनानगर पुलिस में थाने में जो सूचना प्राप्त हुई कि जो MLN कॉलेज वाली सड़क है उस पे एक बॉलीवुड सैलून करके नाम से एक सैलून है, और वहाँ पर झगड़े की एक हमारे को और किडनैपिंग की जो जानकारी प्राप्त हुई, उस जानकारी के उपरांत पुलिस ने वहाँ पर मौका किया। मेरे द्वारा SHO सिटी और CIA1 की टीमों द्वारा मौका किया गया, और वहाँ पर जाकर जो सूचना एकत्रित हुई तो उससे यह मामला सामने आया है कि वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा और वहाँ पर एक सैलून में आकर कुछ पूछताछ की जानी पाएगी, जिसके बाद उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी और उसकी एक लड़की के साथ वहाँ पर मारपीट की गई। और उसके बाद जो मामले की गहराई तक जब पुलिस ने छानबीन की तो उसमें एक आगे क्राइम अगेंस्ट वीमेन के भी कुछ एलिगेशन पुलिस के सामने आए, जिसके उपरांत पुलिस ने कल सिटी यमुनानगर थाने में FIR दर्ज कर दिया और उसी के अंदर अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। ये किडनैपिंग वाली जो एग्जैक्ट किडनैपिंग वाली चीज़ है उसके रिगार्डिंग वैसे अब इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है, पर किडनैपिंग के अलग जो यह चीज़ सामने आई है कि वह लड़की जो कम उम्र की माइनर पाई गई है, तो उसके साथ एक जो लड़का है उसने कुछ अकबर अली करके नाम लड़का है उसके द्वारा उसको डिसीव किया गया, तो उसके ऊपर नियमानुसार जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो के अंदर मुकदमा दर्ज करके उसको राउंड अप कर लिया गया है। लड़की अभी हमारे को सिटी यमुनानगर थाने के एरिया से ही लड़की की बरामदगी हुई। लड़की के मजिस्ट्रेट साहब के आगे बयान करवाए गए हैं और आगे जो प्रक्रिया है मेडिकल की वो अभी कंटिन्यूड है। अली की निशानदेही भी नहीं, लड़की अपना इंडिपेंडेंटली हमारे पुलिस ने रिकवर करा। धारा जब पुलिस ने FIR दर्ज के लिए कंप्लेंट्स ली गई तो उस कंप्लेंट के अंदर ही हमें यह क्लियर हो गया था कि जो ऑफेंस है वो किस प्रकार से है, तो उन्हीं ऑफेंसेस के अंदर ही हमने पुलिस ने वो सारे सेक्शंस लगा दिए हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे कि वो तथ्य सामने आएंगे, एविडेंस आएंगी, तो उन जो धाराएं हैं उनको हम बदल देंगे। गिरफ्तारी जी, इसमें दो व्यक्ति जो मोहम्मद साहिल जो हमीदा से है और एक साहिल और एक शाहिद, ये तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अली को भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया, उससे पूछताछ जारी है, उसकी भी गिरफ्तारी अभी हो जाएगी। इसमें एक व्यक्ति है जो उसकी गिरफ्तारी पेंडिंग है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी की रिकवरी बताया। देखिए, इसमें बेसिकली ये चीज़ सामने आई थी कि ये जो माइनर लड़की थी जो अकबर अली के नाम का व्यक्ति है उसने इसको डिसीव किया और इसके साथ इसका लड़की के साथ शोषण करना पाया सामने आया है, जिसके तहत जो पेरेंट्स को वहाँ पे शक होने के भी यहाँ पर वो वहाँ पे कैफे जो बॉलीवुड सैलून है वहाँ पर जाकर उनसे पूछताछ करी गई, तो बॉलीवुड सैलून वालों ने तलवारों से और डंडों से इनकी पिटाई करी, तो उसके तहत जो बॉलीवुड सैलून के जो लड़के हैं, तीन संचालक हैं और वहाँ पर कार्यरत जो लड़के हैं, उन तीनों को भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया और उनसे एक अपना बेसबॉल बैट और जो तलवार है वो रिकवर कर ली गई है, और इसके अलावा जो अली है उसको भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। बता दें कि अब आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन पुलिस का कहना है कि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जिस स्कॉर्पियो को अली ने इस्तेमाल किया था उसे भी बरामद करना बाकी है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं लड़की की काउंसलिंग की जा रही है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।